अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरे घर की गैलरी में एक कॉर्नर था, वो काफ़ी दौर से खाली था, तो मैंने सोचा इसको डेकोरेट कर लिया जाए। पहले मैंने कीलों के साथ कर्टन के बचे हुए पीसों को कवर किया दीवार को, ठीक है, कीले लगा के। इसके बाद जी एक टेबल थी, रफ सी टूटी हुई, मम्मा टीन टप्पर वाले को दे दी थी। टीन टप्पर मतलब जो कार कबाड़ वगैरह जो लेके जाता है घर का, ठीक है। इसके बाद मैंने इस पर एक प्रेस किया, एक तरीके का कपड़ा लिया, उसको दो साइड से काट के प्रेस करा और ग्लू गम से, ग्लू गन जो आती है उसके साथ लगाना शुरू करा, ठीक है। अब जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं ऐसे ग्लू लगाती जा रही हूँ और फिर कपड़ा उसके साथ चिपकाते जा रही हूँ, ठीक है। इसके बाद जी अच्छी तरीके से लगाइएगा, क्योंकि सिलाई मैंने इसलिए नहीं करी है कि कभी हम लोग चेंज भी करना चाहें तो उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जी अच्छी तरीके से पेश कीजिएगा ताकि कोई भी साइड खाली ना रह सके। फिर अगर टेबल टूटी हुई नज़र आएगी तो बुरी लगेगी, ठीक है। अब जी अब ये पेस्ट हो चुका है, तो अब हम चलते हैं आगे के प्रोसीजर में। मेरे पास एक प्यारा सा खूबसूरत सा ये कपड़ा रखा हुआ था नेट स्टाइल में, इसकी मैंने बो बना दी, ठीक है, नीचे के साइड पे, तो वो ज़्यादा प्यारी लग रही थी। पहले मैंने बना के चेक करी क्योंकि डार्क शेड था कपड़े का, लेकिन फिर भी प्यारी लगी, इतनी बुरी नहीं लगी। फिर मैंने कलर मंगवाए थे तीन तरीके के, कि ब्लू वाला शेड मेरे पास पड़ा हुआ था, रेड एंड ऑरेंज मैंने मंगवाया था। मैंने बहुत थोड़ी सी वीडियो बनाई है, छोटी सी, ज़्यादा बड़ी नहीं बनाई क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो इंसान को बोर करती है। इसके बाद जी टेबल के ऊपर लगाने के लिए मैंने थर्माकोल का एक तरीके का गत्ता ले लिया था और उसको अच्छी तरीके से कट किया था। ऐसे कट करना है कि उसकी जो कटिंग है ना वो बेशेप ना हो। फिर जी मैंने ज़्यादा डेकोरेट के सामान नहीं रखा, बहुत थोड़ी थोड़ी चीज़ें रही हैं, जैसे कि आई शेडो की पैलेट और ब्लशन की पैलेट भी बहुत थोड़ी ली है, नेल पॉलिश का बॉक्स और इस तरीके की काफ़ी चीज़ें मिला के मेरा काफ़ी सारा सामान एक कॉर्नर पे सेट हो गया। ज़्यादा सामान इसलिए नहीं रखा क्योंकि बुरा लगता है। ये मैंने मिरर लिया था, ये मैंने मिरर है ना 950 का लिया था बाज़ार से, ठीक है, ये काफ़ी अच्छे रेट पर मुझे मिल गया था और मैंने बहुत छोटा सा जगह पर बहुत थोड़ी सी क्वान्टिटी रखी है सामान की, क्योंकि ज़्यादा सामान फिर अच्छा नहीं लगता। और बाकी सामान मैंने यहाँ नहीं रखा क्योंकि जगह बहुत छोटी है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और ये मल्टी शेडेड लग रही है, बारबी लुक दे रही है। अब कुछ लोग बोलेंगे कौन सा बारबी लुक, तो भाई जो समझना है वो समझिए, हम समझ रहे हैं इसको बारबी लुक। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।